वैक्सीनेशन की रफ्तार में बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे के अध्यक्षता में महानगर के पार्षदों की बैठक जिला अस्पताल स्थित प्रेरणा सभागार में संपन्न हुई, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि बिना जनप्रतिनिधियों के सहयोग से कोई भी कार्य कठिन होता है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निगम के सभी पार्षदों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में सभी पार्षदों ने टीकाकरण में शत प्रतिशत सहयोग देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि बैठक के बाद सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा और टीकाकरण रफ्तार पकड़ेगा। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, बांट रहे हैं, राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस का कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज आपके क्षेत्र में भी अभी भी जो है 15-20% लोग बताने में समर्थ होते हैं। तो बिना जन प्रतिनिधियों के, बिना आपके आग्रह के, बिना आपके जन आंदोलन, ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। इसके पहले मैं लखनऊ में था, लखनऊ में भी मैं अपने पार्षदों के साथ, अपने जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार बैठक करता था, अपने दुख दर्द को मैं उनसे शेयर करता था और निश्चित रूप से हमें एक सकारात्मक सहयोग मिलता था और उससे हम हर अपने आंकड़े को पा लेते थे। इसी विधि को हमने अपने अमेठी जनपद में लागू किया था। अमेठी में भी हमारे जो है प्रथम 10 जो होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पोर्टल होता है, उस पर ये होता है कि जो मानक होते हैं उसके प्रथम 10 जनपदों को हर माह पुरस्कृत किया जाता, उसमें एक जनपद वो भी था। हमारा गोरखपुर क्यों वंचित रह जाए? आप लोग सब लोग ऊर्जा के, और ज्यादातर तो मैं ये देख रहा हूँ कि सब लोग जो है हम लोगों से ज्यादा काफी युवा लोग हैं। आप लोगों के कंधे पर गोरखपुर को ग्रेट गोरखपुर या ग्रैंड गोरखपुर बनाने की जिम्मेदारी है। हम लोग तो बीते कल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, तो जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं प्राप्त होगा तब तक हम लोग इस महाअभियान में सफल नहीं हो सकते। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यह निर्देश है कि हम लोग जो है जब नए वर्ष में प्रवेश करें तो प्रथम डोज से सबको आच्छादित कर ले जाएं। लेकिन अभी प्रथम डोज से हम लोगों ने अपने यहाँ जो है केवल 72% लोगों को आच्छादित किया है, और हमारे यहाँ जो टीकाकरण की लक्षित आबादी है वो 35.5 लाख लोगों की है। अगर हम 35.5 लाख लोगों को टीका लगा ले जाएं तो हम जो है प्रथम खुराक से संतुलित कर लें। लेकिन यह कहने में मुझे इस संख्या को संकोच हो रहा है कि आज भी हम लोग जो है केवल 25 लाख लोगों को ही लगा पाए हैं। तो अपनी शक्ति पर गुमान था, इसे अन्यथा मत लीजिएगा, मैं जब उसे नहीं कर सका तब हम आपकी शरण में आए। ये आप लोग एक जन आंदोलन, आप एक, हमारे पास मानव संसाधन भी थोड़े से कम थे, तो इसको बढ़ाने के लिए हम लोग जो है हमने जिलाधिकारी महोदय से अनुमति लेकर के जो ग्रामीण क्षेत्र की 11 वैक्सीनेशन बैंक को हमने जो है अर्बन क्षेत्र में लगाया है। हमने अपने जो हमारे अर्बन CSC के चिकित्सा अधीक्षक थे, हमने उनसे आग्रह किया था कि आप लोग एक बार स्वयं कर लें, पाऊंगा आपकी चाय भी पीऊंगा और अपनी कार्य योजनाओं को भी उनसे संकलित करवा करके संपादित कराऊंगा, उसका शुभारंभ भी आपके कर कमलों से करवाऊंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ एक तरह से, मेरा नाम आशुतोष कुमार दुबे है, मैं गोरख में पास है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग करीब प्रदेश में 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, कोई इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। तो इसमें देखिए, अब ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया जा चुका है, अगर किसी व्यक्ति को एक खुराक भी टीका लग गया है तो कोविड होने की संभावना उसमें जो होती है लसी पर देंगे उस क्षेत्र के लिए। चाहे तो डॉक्टर साहब का नंबर नोट कर लें, तो वहां पर प्लानिंग कर लीजिए, उस दिन गाड़ियां भेज दी जाएंगी। 11-77-98 94-15-11-77-98 ये हमारा। देखिए, बिना जनप्रतिनिधियों के सहयोग से कोई भी कार्य संपादित करना थोड़ा सा कठिन होता था। टीकाकरण की गति को बढ़ावा देने के लिए हमने जो है जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जो है अपने सभी पार्षदों की बैठक बुलाई थी, और इस बैठक में सभी पार्षदों ने हमें 100% टीकाकरण में अपना पूरा सहयोग देने का प्रॉमिस किया है, और मुझे उम्मीद है कि इस बैठक के बाद हमारा सकारात्मक रिजल्ट निकलेगा और टीकाकरण हमारा रफ्तार पकड़ेगा।